नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अजय भांबी और हम बताने जा रहे हैं 27 तारीख का भविष्यवाणी। हमारी पहली राशि है मेष यानी एरिस। आपकी राशि से दशम भाव में शनि और चंद्रमा का योग बन रहा है, जिसके फलस्वरूप आज का दिन अच्छा है। हालांकि दिक्कतें आएंगी, सारी दिक्कतों का समाधान भी साथ साथ होगा, इसलिए आपका मनोबल नीचे नहीं होगा। नए लोग आपको मिलेंगे और ये लोग आपके लिए काफ़ी सहायक भी सिद्ध होंगे। पारिवारिक वातावरण खुशहाली लिए रहेगा एवं परिवार में भी उत्सव का सा माहौल देखने को मिलेगा। आपका जो शुभ रंग है वो है लाल। अगली राशि है वृष यानी टॉरस। भाग्य के सहयोग से रुके हुए कार्यों के बनने का अपार हर्ष होगा। कोई विशेष उपलब्धि भी हो सकती है। हो सकता है कि अगर आप पब्लिक क्षेत्र से या किसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आपको भी सम्मान भी प्राप्त हो सकता है। यात्रा का योग बन रहा है और यह यात्रा आपके लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होगी। मित्र शुभचिंतकों का भी भरपूर आपको सहयोग मिलेगा और कुल मिलाकर एक सफल दिन है, जहां पर जो भी मुश्किलें आपके पास थीं उनका आप समाधान ढूंढने में पूरी तरह से सफल रहेंगे। आपका शुभ रंग है हरा। अगली राशि है मिथुन यानी जेमिनी। कुछ दिक्कत वाला दिन है, दिक्कतें तो आएंगी और अगर समय रहते आपने उनको हल कर लिया इन दिक्कतों से आपको निश्चित तौर पर निजात प्राप्त होगी। और अगर ऐसा नहीं कर पाएंगे तो फिर संभवतः आप एक इस तरह के माहौल में फंस सकते हैं, जहां पर आपको बाद में अपनी गलतियों का एहसास भी हो, लेकिन तब तक मामला काफ़ी बिगड़ सकता है। समय रहते अगर ध्यान नहीं दिया जाता तो बाद में हमको पछताना पड़े, ऐसा ना हो उसके लिए आपको कोई विचार अवश्य करना चाहिए और चीज़ों को टालना नहीं चाहिए। आपका शुभ रंग है सलेटी। अगली राशि है कर्क यानी कैंसर। किसी नए प्रोजेक्ट का शुभारंभ हो सकता है और पार्टनरशिप भी हो सकती है। अगर नौकरी की तलाश में नौकरी मिल सकती है। अगर विवाह की बात चल रही तो उसके बनने की संभावना है। मन आपका प्रसन्न रहेगा और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आप अपने कार्यों को आगे बढ़ाएंगे और जिन कार्यों में आप हिस्सा लेंगे ये कार्य आपके लिए बहुत सहायक सिद्ध होंगे और आपको भविष्य के लिए काफ़ी तैयार भी करेंगे। अच्छा दिन है, इसका अवश्य लाभ उठाएं। सब शुभ रंग है सफेद। अगली राशि है सिंह यानी लियो। अगर कोई मामला कोर्ट कचहरी में चल रहा है उसका फैसला आने को है तो यह फैसला आपके पक्ष में रहेगा। यदि पैतृक प्रॉपर्टी को लेकर कोई इश्यू है तो उसे अगर आपसी सहमति से सुलझाने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, बजाय कि कोर्ट के चक्कर आप सब काटते रहें। ऐसा कीजिएगा ठीक रहेगा। अगर कोई इंटरव्यू में जा रहे हैं नौकरी के लिए तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। विरोधी चाहकर भी आपको हानि नहीं पहुंचा पाएंगे और आप काफ़ी कॉन्फिडेंट अपने आप को महसूस करेंगे और विजेता भी। उसके कई रीज़न होंगे जो आपको मालूम भी पड़ेंगे, स्वयं मालूम पड़ेंगे, समय बताएगा। शुभ रंग है लाल। अगली राशि है कन्या यानी वर्ग। जो भी आप निर्णय लेंगे वो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए ध्यान रखिएगा आप क्या सोचते हैं और क्या डिसाइड करते हैं। कई बार क्या होता है आदमी सोचता कुछ है, निर्णय कुछ कोई और लेता है और बहुत बार अच्छा भी होता है, बहुत बार बुरा भी होता है। डिपेंड करता है सिचुएशन, प्लानिंग क्या की गई और एक्शन क्या किया गया। उन दोनों में अगर आप तालमेल बैठा के रखेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन विशेष रूप से अच्छा है। कोई नया प्रेम प्रसंग भी प्रारंभ हो सकता है और जिनका ऑलरेडी चल रहा है उसमें काफ़ी अपनापन महसूस होगा और आगे की प्लानिंग भी आप बहुत प्रेम के साथ कर सकते हैं। आपका शुभ रंग है सलेटी। अगली राशि है तुला यानी लिब्रा। थोड़ा भावनात्मक स्तर पर या इमोशनल लेवल पर डिस्टर्बेंस हो सकता है, ध्यान रखिएगा। खासतौर से ये घटना जो खास परिजन है उनके साथ भी हो सकती है या ऑफिशियल में भी हो सकती है, जो भी आपका कार्य क्षेत्र हो सकती है। तो दोनों स्थिति में आपको ध्यान रखना चाहिए कि अपने कारण ना हो, जब अपना कारण हो तब उसका
अवश्य चिंतन करना चाहिए, और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा, वरना दिक्कत आ सकती है। ध्यान रखिएगा और रिस्क ना लीजिएगा, रिस्क लेना आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, आप खुद भी समझ जा रहे हैं, लेकिन हमारी ओर से ध्यान रखिएगा। शुभ रंग है पिंक। अगली राशि है वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो। एक बहुत ही बेहतरीन दिन है और आप बड़े उत्साह के साथ अपने कार्यों को आगे बढ़ाएंगे और उसमें आपको आशा की सफलता प्राप्त होगी और यात्रा होगी, यात्रा का माहौल बनेगा, यात्रा होगी, इस यात्रा से और कई यात्राएं आपके लिए तैयार होंगी, उन यात्राओं के फल आपको बहुत ही सुखद मिलेंगे। मित्र लोग भी आपको बढ़ चढ़ कर मदद करेंगे और कुल मिलाकर आज का दिन बहुत अच्छा है और इसका आपको भरपूर लाभ उठाना चाहिए। अगर विदेश जाने के इच्छुक हैं और इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तो इसके लिए भी आपको एक सुखद एनवायरनमेंट मिलेगा और भाग्य आपका साथ देगा। कुल मिला के आज का दिन बहुत अच्छा है, इसका अवश्य लाभ उठाएं। आपका शुभ रंग है हरा। अगली राशि है धनु यानी सेगिटेरियस। व्यर्थ की चिंताएं समाप्त होंगी और बड़े आत्मविश्वास के साथ आप आगे बढ़ेंगे और इन कार्यों में आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। और ये जो कार्य हैं जिसमें सफलता प्राप्त होगी वो कुछ ऐसा भी विशेष हो सकता है कि इसके बाद आपको आगे बढ़ने का एक ऐसा मार्ग प्राप्त हो जो पहले आपने कभी देखा ना, मतलब विशेष विशेष सफलता प्राप्त हो सकती, इसलिए बहुत चुनिंदा होकर मतलब बहुत ध्यान से जो भी आप निर्णय लें उसमें ध्यान रखिएगा। और अगर आपके निर्णय हमको लगता है अच्छे होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त होगी और एक नया विशेष मार्ग भी खुल सकता है। शुभ रंग है गोल्डन। अगली राशि है मकर यानी कैप्रिकॉर्न। धन प्राप्ति का दिन है, धन मिल सकता है और ये धन एक्स्ट्रा इनकम का हो सकता है, एडिशनल इनकम का हो सकता है, रुके हुए धन हो सकता है या दिया हुआ धन वापस आ सकता है। इसके अलावा अगर आप कोई बैंक आदि से कोई ऋण ले रहे हैं किसी खास कार्य के लिए, उस कार्य में भी आपको काफ़ी सहूलियत प्राप्त होगी। पारिवारिक वातावरण उत्साहवर्धक रहेगा एवं परिवार में सुखद वातावरण देखने को मिलेगा, साथ ही कोई मंगल कार्य भी संपन्न हो सकता है। कुल मिला के एक लाभदायक दिन। शुभ रंग सलेटी। अगली राशि है कुंभ यानी एक्वेरियस। आप अपने मनोयोग से आज कार्यों में हिस्सा लेंगे, ये सारे कार्य आपके लिए बहुत लाभदायक रहेंगे, सुखद रहेंगे और इनमें आपको एक नई सफलता भी प्राप्त होगी। प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन विशेष रूप से अच्छा है और आप कोई नई पार्टनरशिप में प्रवेश भी कर सकते हैं। अगर कोई इंटरव्यू है या कोई एग्जाम हो रहा है तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। नौकरी व्यवसाय आज के लिए भी दिन विशेष रूप से आज का अच्छा है। आपका शुभ रंग है सिल्वर। अगली राशि है मीन यानी पाइसेस। थोड़ा नाजुक दिन है, ध्यान रखिएगा, जोखिम उठाने से हानि हो सकती है और ऐसे रिस्क नहीं लेने चाहिए जिनसे आपको दिक्कत हो। खासतौर से धन संबंधी मामलों में विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है, ध्यान रखिएगा, और स्वास्थ्य के प्रति भी लापरवाह नहीं होना चाहिए और उन मित्रों से शुभचिंतकों से अवश्य परामर्श लें जो आपके अक्सर काम आते हैं, उनके सहयोग से भी कुछ आपके रुके कार्य संपन्न होंगे। शुभ रंग है ब्राउन। हम बात कर रहे थे सफाई।